बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में गन्ने से भरा ट्रक पलट गया। गन्ने के मलबे में रिक्शा दबने से युवक की मौत हो गई। इस हादसे से इलाके में हड़कंप है। ललितपुर के थाना जखौरा अंतर्गत खसुआ गांव में सड़क किनारे खेत पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया है। बिजनौर के नहटौर थाना के मंडोरा इलाके में ग्रामीणों ने चोर को जमकर पीटा और ग्रामीणों ने चोर की गांव में बारात निकाली। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना टोल पर दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। कार सवार तीन दबंगों ने टोल मांगने पर टोल कर्मचारियों को पीटा भी है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष की हत्या के मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम हजरतगंज के ग्लोब पार्क पहुंची। लखनऊ के हजरतगंज में सीडीआरआई के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत बच्चन की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हजरतगंज में रणजीत बच्चन की हत्या के मामले में ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने कहा कि हत्या के मामले में हत्या के कारणों की जांच की जा रही, सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार आशीष ने रणजीत बच्चन की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा, हिंदू नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लखनऊ के हजरतगंज में रणजीत बच्चन की हत्या के बाद ओसीआर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। लखनऊ में रणजीत के समर्थक ओसीआर बिल्डिंग पर पहुंचे जहां पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हुई। रणजीत के समर्थकों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को अंदर किया। सीएम योगी चंदौली की नौगढ़ तहसील के अमदाहा चरणपुर गांव पहुंचे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। चंदौली में सीएम योगी ने कहा कि आज से लागू की जा रही आरोग्य योजना सभी के स्वास्थ्य के लिए है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि आरोग्य योजना के तहत हर स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक रविवार 10 से 12 बजे स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी। योजना में 56 लाख लोग शामिल हुए। स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशिक्षित डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। सीतापुर में जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने जिला अस्पताल में जन आरोग्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएमओ समेत जनपद के डॉक्टर मौजूद रहे। बुलंदशहर के सयाना तहसील के बुगरासी स्वास्थ्य केंद्र पर जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। योजना के तहत हेल्थ वेलनेस सेंटर के माध्यम से सभी मरीजों की जांच की जाएगी। लखनऊ हिंसा में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस लगातार पीएफआई के सदस्यों का ब्यौरा खंगाल रही है। पीएफआई के सदस्यों के घंटा घर में चल रहे विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तार किए गए तूफेल साबेज सितार जुड़े होने की आशंका है। कानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में उपद्रव में पीएफआई का कनेक्शन सामने आने के बाद जेल भेजे गए आरोपितों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच की जा रही है। लखनऊ में 5 फरवरी से होने वाले डिफेंस एक्सपो की तैयारियां जोरों पर है। सेक्टर 15 वृंदावन योजना में सेना के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का अभ्यास करते हुए हवा में करतब दिखा है। बुलंदशहर में चोला चौकी प्रभारी ने बिना किसी तहरीर के वृद्ध का खोया हुआ 3 लाख रुपए वापस कर दिया और इसके लिए एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को 10,000 का इनाम दिया। आगरा में यमुना बचाने के लिए भजन कीर्तन और यमुना मैया की आरती के साथ साधु संतों ने बटेश्वर से वृंदावन तक पदयात्रा निकाली। सुल्तानपुर में कुछ लोगों के पिटाई से नाराज रोडवेज बस ड्राइवर और कंडक्टर ने जमकर हंगामा किया। 20 सड़क पर बस खड़ी होने करने की वजह से दोनों तरफ जाम लग गया। रायबरेली के हरचंदपुर में एक युवती की जली हुई लाश मिली है। आशंका है कि रेप के बाद किसी ने जला दिया।
हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में दबंगों ने रेप पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया, साथ ही पीड़िता के परिजनों पर हमला किया गया। गाजियाबाद के कबीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर जिम में दबंग ने जिम संचालक के साथ मारपीट की, मारपीट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र में एक पान व्यवसायी की लाश मिली है, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में नग्न हालत में महिला की इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हो गई, मृतका के शरीर पर चोट के गहरे निशान है। हाथरस के थाना कोतवाली के लेहरा बंबा पर बाइक सवार युवक से बाइक और नकदी लूटकर भाग रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। कन्नौज के छिबरामऊ के गिहार बस्ती में आबकारी विभाग ने अवैध शराब माफियाओं के अड्डों पर छापेमारी के दौरान हजारों लीटर लहन नष्ट किया। बदायूं के उजानी कोतवाली इलाके के बसों में गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज क्षेत्र के पार्षद राजू डॉन की दबंगई से कर्मचारी परेशान है, पार्षद ने सैलरी की मांग करने पर 15 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। बांदा के नरेनी कोतवाली के पनगरा गांव में लापता जिया साली का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। लखीमपुर में तिकुनिया के हरबख्शपुरवा में शक की पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंबेडकर नगर में गन्ने के खेत में 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गाजीपुर के भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र के घटारो गांव में विधायक सुभाष पासी के चचेरे भाई की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी के शहर कोतवाली के मदहायू में कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबकर एक किशोरी की मौत हो गई। लखनऊ में एनआरसी और सीएए को लेकर शिया और सुन्नी मौलानाओं ने मुमताज पीजी कॉलेज में बैठक की। आगरा में एसएन हॉस्पिटल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए कैदी को 24 घंटे बाद एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया। बाराबंकी के बदोसराय के कोटवा धाम के पास श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम खाई में पलट गई। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वायरस से सतर्कता के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस से जूझ रहे चीन को कारोबार में झटका लगा है, दुनिया भर के ग्राहकों ने अप्रैल में होने वाले चीन के कैंटोन फेयर में जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। ललितपुर में सत्ताधारी पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षा के ससुर रमेश खटिक समेत 10 अज्ञात लोगों पर महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। बुलंदशहर में नवदुर्गा शक्ति मंदिर के तत्वाधान में 2100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। बलरामपुर का दौरे पर पहुंचे यानी बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्रिवेंद्र कुमार उपाध्याय ने न्यायिक और विधिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। फरुखाबाद में मसेनी चौराहे के पास एबीएस अस्पताल को मानकों पर खड़े न उतर पाने के चलते डीएम ने सीज कर दिया। आगरा के थाना पिढौरा क्षेत्र के गांव जोर के पास अधिकारियों की लापरवाही के चलते चंबल नहर का बांध टूटने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र जिजवावन गांव में 3 लोगों ने महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया। गोरखपुर के बासगांव थाना क्षेत्र के सोगौरा बांध के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मुजफ्फरनगर जेल में बंद सरगना माफिया कुख्यात जीवा की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर अपने पति की जान का खतरा बताकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बदायूं में दातागंज के कोतवाली इलाके भटौली के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई।
प्रयागराज के सेक्टर 1 में अक्षयवाट मार्ग पर माघ मेले में स्वर्गीय अवध नारायण मिश्रा की स्मृति में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। फरुखाबाद में हुए ऑपरेशन मासूम को लेकर जिले के डीएम, पुलिस अधीक्षक और विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्चों के अपहरण कांड के मामले की पूरी जानकारी दी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में सीए को चुनौती देगी और केंद्र से इस कानून को वापस लेने की मांग करेगी। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, पार्टी नेता आनंद शर्मा और अजय माकन ने दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। इसके साथ ही युवा स्वाभिमान योजना के तहत स्नातक युवाओं को 5,000 रुपए और स्नातकोत्तर युवाओं को 7,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली चुनाव के प्रचार के लिए दिल्ली के अंडे इलाके में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। यूपी को क्या मिला? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के प्रचार के लिए किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि सीएम योगी का बयान लोगों को भड़काने वाला है, इसलिए उन पर चुनाव प्रचार की पाबंदी होनी चाहिए। 2020 में पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी का बजट जो है वो 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी संगठन जैसे कमांडर के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के करीमाबाद गांव में एक शीर्ष जैश कमांडर जाहिद शेख के घर पर छापेमारी के दौरान ये गिरफ्तारी की। पेशी के बाद वापस गुरुग्राम लौट रही पुलिस के वाहन पर बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में हमला बोला। 3 वाहनों में सवार 10 हमलावरों ने पहाड़ी रोड स्थित पाली पुलिस चौकी के पास हनुमान मंदिर के सामने पुलिस के वाहन को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली में 8 फरवरी को वोट पड़ने वाले हैं। चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैलने के बाद हाल ही में चीन में 793 भारतीय वापस लौटे। केरल में कोरोना के एक और मरीज की पुष्टि हुई है। बजट 2020 में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया जाएगा। सारे पुराने थर्मल पावर प्लांट बंद किए जाएंगे। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन गैजेटेड पदों पर भर्तियां को आसान किया जा रहा है। परीक्षार्थियों को कई चरणों में परीक्षा देने की जगह अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। हर जिले में टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। कर्नाटक में पुलिस ने शाहीन प्राइमरी और हाई स्कूल के छात्रों से पूछताछ की है। 26 जनवरी को इस स्कूल के छात्रों ने अपने विद्यालय में सीए और एनआरसी के खिलाफ एक नाटक किया था। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। कलकत्ता में पार्क सर्कस मैदान में सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। भारत को म्यांमार से जोड़ते हुए इमरान खान ने कहा कि बीजेपी भारत के मुस्लिम समुदाय को अलग थलग कर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि एनआरसी को अपडेट करने के नाम पर बनाए गए विवादित कानून की वजह से बड़ी संख्या में लोग नागरिकता अधिकार से वंचित रह गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश की चिंता करने के बजाय भारत के आंतरिक मामलों में बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब एक बयान में इमरान खान ने कहा है कि भारत में नागरिकता कानून लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी सेना को 10 दिन में धूल चटा देने वाले बयान पर गफ्फूर ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी भी हमेशा भारतीय फौज को हैरान किया है। साथ ही कहा है कि भले ही युद्ध शुरू भारत करे लेकिन इसे खत्म करने वाले हम ही होंगे। पृथ्वी के ऊपर घूम रहे अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट के रूसी सैटेलाइट द्वारा पीछा करने की खबर सामने आई है। चीन के लिए अभिशाप बन चुकी कोरोना वायरस की महामारी के बीच भारत सरकार वहां फंसे नागरिकों को वापस ला रही है। इस शनिवार को एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से 324 भारतीयों को लाया गया। चीन में कोरोना वायरस के इस कहर के बीच हुनान प्रांत के एक
फार्म में खतरनाक बर्ड फ्लू के अटैक की खबर है। चीन में कोरोना वायरस से 45 और लोगों की मौत हो गई। चीन में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 304 हो गई है। चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस से अब तक चीन में 300 के ऊपर मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अब फिलीपींस में भी कोरोना वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है। स्ट्रीट डांसर 3D के नए गाने सिप सिप में वरुण और सोनम बाजवा पंजाबी अवतार में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखने का फैसला किया है। सोनाक्षी अमेजॉन प्राइम की एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में नजर आने वाली है। उर्वशी रौतेला का जिम में वर्कआउट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म मेकर करण जौहर की इतिहास पर आधारित मोस्ट अवेटेड फिल्म तक अगले साल 24 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, विकी कौशल, करीना कपूर खान, अनिल कपूर मुख्य भूमिका में होंगे। अचानक होने के कारण ऋषि कपूर को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बात की खबर लगती है आलिया रणबीर दिल्ली पहुंचे। सिंगर नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण रिलेशनशिप की खबरों के बीच इन दिनों रोमांटिक वीडियो शूट सामने कर रहे हैं। सामने भी आया है नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण गोवा में गाने की शूटिंग की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता दिनेश लाल यादव का आज जन्मदिन है। निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार्स में गिने जाते हैं। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की शुरुआत 22 फरवरी से होने जा रही है। ये स्टंट रियलिटी शो पर आधारित है। श्रद्धा कपूर ने अपने पापा शक्ति कपूर के साथ सेल्फी पोस्ट किया है। ये सेल्फी उन्होंने इंस्टा पे पोस्ट किया है। कार्तिक अरुण और सारा अली खान की फिल्म लव आजकल का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर कार्तिक ने फिल्म से रिलेटेड एक मीम शेयर किया है। ये मीम फिल्म के नए गाने से जुड़ा हुआ है। बिग बॉस 13 में घर के अंदर कश्मीरा सा यानी आरती की भाभी ने काफी तारीफें कमाई है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिस तरह से वो घर में खुद पेश आ रही हैं, इस वजह से उन्हें सपोर्ट और तारीफें मिल रही है। बिग बॉस 13 की ट्रॉफी रश्मि देसाई जीते, इसके लिए उनके घर वाले मन्नत कर रहे हैं। करिश्मा कपूर और करीना कपूर के कजन अरमान जैन जल्दी शादी करने वाले हैं। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने अपने टेलीकॉम नेटवर्क से तंग आकर ट्विटर पर ही उनकी क्लास लगा दी। नेटवर्क की सर्विस से परेशान होकर पूजा ने ट्विटर पर ही अपनी भड़ास निकाली। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। काजोल ने इंस्टा पर अपनी बेटी संग फोटो शेयर की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और कार्तिक आर्यन रैंप पर वॉक करते नजर आ रहे हैं। ये डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए हैदराबाद में रैंप वॉक किया गया था। भारतीय सिनेमा में बाहरी कंपनियों की दखल अब कुछ ज्यादा ही बढ़ती आ रही है। अमेजॉन ने भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित पुरस्कार फिल्म फेयर को स्पॉन्सर करने का बीड़ा उठाया है। सारा अली खां की अपकमिंग फिल्म लव आजकल के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कार्तिक एक दोस्त, ज्यादा कुछ नहीं है। कपिल शर्मा को बेहतरीन सरप्राइज मिला है। कपिल शर्मा के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर 20 मिलियन हो गए हैं। फिल्म मलंग की शूटिंग गोवा और मॉरिशस के अधिकांश हिस्सों में हुई है। जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है। सितारे आदित्य राय कपूर और दिशा पटानी ने प्रशंसकों को बेहतरीन छुट्टी के लिए जगह बताया है। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री अनुष्का सेन अब छोटे पर्दे से ऊपर उठकर एक फीचर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में KL राहुल ने अपने नाम एक और उपलब्धि कर ली है। इस सीरीज में राहुल ने अपने 200 रन पूरे किए। वे किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में 200 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया से खिलाड़ियों को बाहर करने को लेकर मैनेजमेंट और संवादहीनता का आरोप लगाते हुए कहा, इस विषय पर भारतीय मैनेजमेंट खिलाड़ी तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाने में नाकाम रहा। वीर ऋषभ पंत को लगातार बेंच पर बैठाने के फैसले को लेकर नाराज दिखाई पड़े। भारत की न्यूजीलैंड पर 5वें T20 मैच में जीत हो गई है।
लेकिन चौथे टी20 मैच की बात कर लेते हैं। सुपर ओवर में हराकर मैचों की सीरीज 4-0 की बढ़त के बाद शोएब अख्तर ने यूट्यूब चैनल पर न्यूजीलैंड की टीम ने हारने में महारत हासिल कर ली है, ऐसा शोएब अख्तर ने कहा। हालांकि टीम इंडिया 5-0 से ये मैच जीत चुकी है सीरीज। छोटे कारण पिछले काफी दिनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को एक और झटका लगा है। अब हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 में एक विदेशी फैन भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। इंग्लैंड की महिला टीम ने टी20 ट्राई सीरीज में पहली जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में हरा दिया। 4 दिन में यह तीसरा सुपर ओवर है। इसके पहले भारत और न्यूजीलैंड के दोनों मैच सुपर ओवर तक गए थे।